गाइस, जब भी आप किसी नए कैमरे को परचेस करने का प्लान करोगे तो ये चार बातों का ख्याल जरूर रखना। पहली बात ये कि जब भी आप कैमरा परचेस करें, चाहे किसी भी ब्रांड का, तो आप एकदम लेटेस्ट मॉडल परचेस करना। चाहे क्यों ना आप एक एंट्री लेवल लेटेस्ट मॉडल परचेस करना, क्योंकि सपोज करिए अभी 2022 चल रहा, अब मैं कैमरा परचेस करता हूँ 2018 या 2019 का मॉडल, तो 2022 के कैमरे में जो फीचर्स अवेलेबल है वो 2018 और 2019 के मॉडल में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, कंपनी ने अगर अपडेट दिया होगा तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो उस कैमरे में आ गए होंगे, बट ज्यादातर फीचर उसमें लैक कर रहे होंगे। गाइस, दूसरी चीज, आप हमेशा ये चेक कर लेना कि आपका जो कैमरा आप परचेस करने वाले हो वो नाइट में या फिर लो लाइट में कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। डे में तो आपका फोन भी नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा कैमरे के मामले में। अगर वो कैमरा नाइट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप आग बन करके उसे परचेस कर सकते हैं। गाइस, तीसरी बात, आप जिस भी ब्रांड का कैमरा परचेस कर रहे हो तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि उस ब्रांड का जो लेंस है वो मार्केट में कितना अवेलेबल है या फिर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन कितना अवेलेबल है। जितने ज्यादा लेंस होंगे उतने ज्यादा आप क्रिएटिविटी अपने कैमरे के साथ कर सकते हो। चौथी बात, गाइस, आपने एक अच्छा कैमरा परचेस कर लिया है, नो डाउट आपका कैमरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट एक कैमरे के साथ आपको एक किट लेंस मिलने वाला है जो कि आपको एक लिमिटेड ऑप्शन में फिक्स कर देता है। इसलिए जब भी आप एक नया कैमरा परचेस करें, आप उस कैमरे के साथ एक प्राइम लेंस जरूर परचेस करें।